दिस इज इट। सो दिस इज द हेलमेट गाइस। ये कितना कॉम्पैक्ट है और ये कितना बड़ा है। आर यू रेडी गाइस? हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो टुडे इज़ 3 अगस्त और टाइम हो रहा है अराउंड 2 या 2:30 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा कुछ नया होने वाला है। आज होने वाला है अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग में क्या है वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। कुछ नया चीज़ है जो कि मैंने आज ही खरीदी थी। अभी मैं पहले गया हुआ था, मैं ख़रीद के आया हूँ, फिर मैं आराम से घर पर आया हूँ। अब आपके मैंने सोचा चलो आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर लिया। वैसे मैंने वो प्रोडक्ट देख लिया, ट्राई करके देख लिया, बट अनबॉक्सिंग तो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं आज क्या है अनबॉक्सिंग में। दिस इज़ इट। तो आपको बॉक्स देख के समझ में आ गया होगा ये हेलमेट का बॉक्स है। तो यस, आज मैंने एक नया हेलमेट ख़रीदा है। ये है एक्सिस का। इसका हेलमेट आ रखे हैं आजकल नए मोटोक्रॉस के और एडवेंचर के लिए। तो इसके अंदर कौन सा वाला है वो एक सरप्राइज़ है। आप चलो खोलते हैं, ओपन करते हैं, दिखाते हैं। बॉक्स को रखते हैं साइड में, क्योंकि बॉक्स के अंदर भी कुछ सामान है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आई होप आपको ये हेलमेट पसंद आए। सो दिस इज द हेलमेट गाइस। हेलमेट चेक करो। सो दिस इज द हेलमेट, एक्सिस वुल्फ DS। तो उसमें 2 सीरीज़ आती है, एक आती है मोटोक्रॉस वाली और एक आती है एडवेंचर वाली। तो इस बार मैं एडवेंचर वाले हेलमेट पे गया हूँ। पहले मेरे पास पहला जो हेलमेट था वो आपने देखा है SMK का मोटोक्रॉस वाला था। तो मैं इस वाले में क्यों गया हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों गया हूँ, और उसमें मोटोक्रॉस वाले में और इस वाले में क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप मोटो व्लॉग करते हैं, वो भी मैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये रहा हेलमेट एंड ये कुछ इसका लुक है, क्योंकि के साथ क्या क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। रिमूवेबल चिन गार्ड, ये चिन गार्ड है जो इसके नीचे लगती है यहाँ पे, और ईजिली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लग जाती है ऊपर के और ईजिली रिमूव भी हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ कैसे लगती है। सो ये है इसका चिन गार्ड जो कि ऐसे लग जाता है और रिमूव भी हो जाता है, क्योंकि इसके मैं बेनिफिट आपको बताऊँगा चिन गार्ड के। ये है क्लियर वाइजर। वैसे ये हेलमेट क्लियर वाइजर के साथ ही आता है। ये है क्लियर वाइजर, बट मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा वाइजर ये ख़रीदा है, ये वाला टिल्टेड, और इसमें अभी भी लगा हुआ है शीट, तो ये रिमूव करेंगे। प्लस बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओपन करके तो ये किए है सामने अंदर से, इसमें सनवाइज़र भी आता है। यस, इसमें सनवाइज़र भी आता है और बहुत ही प्यारा हेलमेट है। और एयर वेंट इसमें काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे 2 ये है, फ्रंट में ये है, 2 यहाँ पे है, तो 2, 2, 4, 5 ऊपर ये है 6, 7 और एक एग्जिट के लिए ये सारे वेंट्स हैं। बहुत ही प्यारे वेंट्स हैं, बहुत ही अच्छा हेलमेट है। फिटिंग वगैरह मैंने देख लिया, अभी आपको पहन के भी दिखाऊंगा मैं कैसी फिटिंग आ रही है, क्या लुक आ रहा है पहन के। और ये मेरा अभी का हेलमेट है, और मैं आपको पुराना हेलमेट दिखा देता हूँ, उसमें और इसके साइज़ में कितना डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ मैं। तो ये है मेरा मोटोक्रॉस का SMK का, और आप देखो इसके और इसमें साइज़ में कितना ही डिफरेंस है। ये कितना बड़ा सा है, बल्कि सा, और ये कितना कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने के फ़ायदे अच्छे, एरोडायनेमिक्स अच्छा मिलता है। और देखो साइज़ में डिफरेंस देखो आप, कितना बड़ा है, ये कितना कॉम्पैक्ट है, और ये कितना बड़ा है। ये मेजर डिफरेंस है इसका। इसका ड्रॉबैक और इसके फ़ायदे में क्या मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं ऑफ रोड के लिए तो बेस्ट है सैल हेलमेट, विदाउट कोई वाइजर वाइजर कुछ नहीं होता, तो ईजी ट्रैवल कर सकते हो। ड्रॉबैक यही है कि इसमें मोटो व्लॉग करते समय आपको विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। जैसे आप ज़रूरी नहीं हर रोज़ मैं ऑफ रोडिंग करूँ, तो कहीं भी जैसे आपने मेरे ब्लॉग्स देखे कि मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो इस वाले हेलमेट में ना वो विंड नॉइज़ आता है, क्योंकि इसमें कोई वाइजर वगैरह भी नहीं है। प्लस इसमें चेन गार्ड नहीं लग सकता, तो ये नीचे से ओपन रहता है, तो हवा भी इनटेक अंदर बहुत ज़्यादा आती है, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो उसी पर्पज़ से मैं सोच रहा था कि वो एक नया हेलमेट लूँ, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत दिक्कत होती है। जब भी मैं व्लॉग एडिट करता हूँ तो उसमें बाहर की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, बाइक्स की इतनी आवाज़ आती है, हवा की इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि मेरी वॉइस अभी अच्छे से क्लियर नहीं आ पाती है। तो ड्रॉबैक इसका यही है। तो इसलिए मैंने नया एडवेंचर हेलमेट देख रहा था। मेरे पास 2 ऑप्शन में चूज़ करा था, LS2 का चूज़ कर रहा था, पायनियर, या तो फिर एक्सिस का। तो मैंने 1-2 जगह बात करी, तो फिर उसके बाद मुझे फाइनल यही हुआ। और ये मैंने लिया कहाँ से, तो ये हमारे गौरव भाई के यहाँ से लिया मैंने, ये 2 सिंगल शम्स। तो यहाँ पे शो कर रहा होगा उनका इंस्टाग्राम हैंडल, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, आप कांटेक्ट करो, आपको कोई भी हेलमेट मंगाना हो आप उनसे मंगवा सकते हो। तो बाकी इसका मैं आपको बता दूँ इसमें और बेनिफिट क्या है, इसका जो ये वाइज़र है हम वाइज़र रिमूव भी कर सकते हैं। ये वाइज़र यहाँ से लॉक ऑप्शन है, यहाँ से लॉक आप ओपन करो, रिमूव करो, और अगर आपको पता है कि आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो इसको रिमूव करो और इसको फटाफट अपने गॉगल्स पहनो, आप यूज़ कर सकते हो। डुअल पर्पज़ होते हैं, एडवेंचर वाले आपके डुअल पर्पज़ होते हैं, आप टूरिंग में भी जा सकते हो पहन से और आराम से मोटोक्रॉस करने भी पहन के मोटोक्रॉस में भी पहन सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि सिटी में चला रहे हो और आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये भी रिमूव कर सकते हो, ईजिली रिमूव हो जाता है। यहाँ से बोल्ट एंड नट ओपन करो और आपका वैसा वाला लुक आ जाता है इसका नॉर्मल हेलमेट का। प्लस ये डॉट सर्टिफिकेशन के साथ है, ECE की सर्टिफिकेशन के साथ है और अपना ISS सर्टिफिकेशन के साथ है, तीनों सर्टिफिकेशन के साथ है। कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, कोई पुलिस वाला इंडिया में ज़्यादातर रोकते हैं कि ISS सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बाकी एक बार अभी पहन लेगा, उससे पहले आप ये रिमूव कर लेते हैं और इसका फील ले लेते हैं। तो आर यू रेडी गाइस? ये लुक देखो आप हेलमेट का कितना प्यारा आ रहा है, इसको पील करने के बाद अमेजिंग लुक। अब मैं आपको उसको पहन के भी दिखा देता हूँ कैसा लुक आएगा, क्या आएगा। और ये साइज़ मैंने M मंगाया, लार्ज मैंने ट्राई किया था, लास्ट थोड़ा सा लूज़ था तो ये थोड़ा सा अभी टाइट है। मतलब मेन क्या होता है आपका हेलमेट यहाँ से टाइट होना चाहिए, सर के टॉप से टाइट नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फिर आपको पेंट शुरू हो जाता है। यहाँ से ओपन है, यहाँ से थोड़ा सा न्यू पैडिंग है तो थोड़ा सा टाइट है बट ठीक है। और हेलमेट पहनने से पहले मैं अपना बैंडाना पहनता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि स्वेट वगैरह ना ज़्यादा इसके अंदर रहे, इसकी पैडिंग में रहे, क्योंकि उससे ना एलर्जी सर में आपका हेयर लॉस वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो पहले अपना बंडाना पहन लेते हैं एंड इसको ऊपर करते हैं। सो दिस इज़ द फिट, बहुत ही प्यारा फिटिंग है, बहुत ही अच्छा फिटिंग है, कॉम्पैक्ट है हेलमेट और ये भाई जल्द किया। अब बताओ गाइस कैसा लुक दिख रहा है, लग रहा है कि अमेजिंग, और मेरे को भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत ही ब्रॉड विजन है इसका, मतलब यहाँ तक है इसका विजन ना, तो पूरा सराउंडिंग मेरे को इतना पोर्शन तक दिख रहा है सब कुछ ये रहा। और इसमें मैं आपको गॉगल्स भी पहन के दिखा देता हूँ कि गॉगल्स कैसा आता है, इसके ऊपर भी गॉगल्स पहन सकते हैं। तो ये रहा मेरे गॉगल्स जो कि ये भी टिंटेड ही है, तो इसको ट्राई करते हैं इसके अंदर फिटिंग देखते कैसी आती है। ये थी कुछ फिटिंग गॉगल्स की, तो अगर मैं चाहूँ तो ये ना पहन के मैं ऐसे गॉगल्स भी पहन सकता हूँ और इसको इससे आराम से बंद भी कर सकता हूँ। ये बंद भी हो गया, तो अगर मैं ड्यूल गॉगल पहनना चाहूँ बट ऐसे फ़ायदा नहीं है। और आप देखो ये फिटिंग आ गई, अगर मैं मोटोक्रॉस के लिए कभी जाना चाहूँ तो मैं अपने ये खोल ओपन करके और मैं जा सकता हूँ, तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है। तो ये रहा कुछ अनबॉक्सिंग मेरे न्यू हेलमेट की। तो बाकी आप गौरव भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, वुल्फ DS करके है एक्सिस का, वो बताना आपको कैसा लगा ये हेलमेट और आपको मतलब पर्पस इसका अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाकी अगर आज शाम को कहीं जाना हुआ मेरा, तो मैंने सेटअप तो कर दिया, इसमें माइक वगैरह फिट कर दिया है, तो अगर मेरा कहीं जाना हुआ तो मोटो व्लॉग भी करूँगा इसमें। और आप डिफरेंस फील करना कि वॉइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, बाहर का शोर कम सुनाई देगा आपको और मेरी बात ज़्यादा आपको सुनाई देगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शाम को कहीं जाऊँ। तो गाइस दिस इज़ द टेस्टिंग हो रही है हमारी न्यू हेलमेट की, और आई होप आपको आवाज़ सही आ रही होगी एंड मुझे भी बाहर की आवाज़ तो कम ही आ रही है हेलमेट में, बट आई होप आपको भी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही होगी और बाहर की आवाज़ कम आ रही होगी आपको। आई होप ऐसे ही हो रहा हो क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम है तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको। और मैं एक छोटे स्क्रीन के लिए तो नहीं जा रहा, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आई थॉट कि चलो ट्राई किया जाए हेलमेट। वैसे तो अब ये वाला हेलमेट पहनना है, तो इस मतलब अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि बाहर की कितनी आवाज़ आ रही है, क्या आ रहा है, कैसा है सिस्टम इसका हेलमेट का। बाकी कंफर्टेबल बहुत है, अभी थोड़ा ब्रेकिंग होने में टाइम लगाएगा हेलमेट। आप ना कमेंट करके जाओ क्योंकि फिर हमारी ना ब्लॉग की रीच बढ़ेगी और हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी, क्योंकि यूट्यूब तभी थ्रो करता है हमारे व्लॉग्स को जब उसमें कमेंट किया जाए, उसमें इंटरेक्शन हुए ना, आपका इंटरेक्शन नहीं है तो रीच उसकी कम हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो, उसमें इंटरेक्शन बढ़ाओ। यू नो द ड्रिल गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन पीस आउट।